बाद में बताऊं कि आज आपने खबर ली है जेई मेन्स एग्जाम, ये स्टूडेंट्स के लिए तो कितना प्रॉब्लम होता है ना ये एग्जाम देना, एंट्रेंस एग्जाम, खासतौर पर इंजीनियरिंग, उसके इतने मोटे मोटे बुक्स होते हैं, पढ़ाई करना कितना डिफिकल्ट हो जाता होगा। मैं बताऊँ कि जब मैं भी स्टूडेंट था, जब मैं फिजिक्स पढ़ता था और केमिस्ट्री पढ़ता था, तो उलझता जाता था, मैथ्स फिजिक्स में एकदम भागता था कि यार ऐसे कैसे कोई पढ़ते हैं, मतलब फिजिक्स इतना आप पढ़ो, इस तरह से बनाओ, मुझे बहुत घबराहट मुझे होती थी फिजिक्स से खासतौर पे। और कितने लोग होते हैं ना कि फिजिक्स और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ के वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, थोड़ा सुनने में भी अजीब लगता है, साइंटिस्ट बहुत बड़ा नाम, वैज्ञानिक जो दिमाग में जहन में चलता है, किसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़े बड़े बाल हो, बहुत सारे बुक्स हो, वो रिसर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो, और कह सकते हैं ना कि एक अलग प्रजाति की तरह ही लोग उसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, वो दिन भर रिसर्च में लगे होते हैं। हम कह सकते हैं कि उन्हें समाज से कुछ नहीं लेना, उन्होंने अपना बस रिसर्च पे टाइम देना है। लेकिन मैं कहने की, आपने जो कहा कि वो ऐसे होते हैं, समाज से कटे रहते हैं, लेकिन मैं आपकी ये सारी बातों को अभी मतलब दूर कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट है प्रोफेसर प्रभात रंजन जी, जो कि वैज्ञानिक है, जाने माने वैज्ञानिक है। सर, आपका हमारे इस बिहार ज्ञान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि अभी हमारी को एंकर अंकिता कह रही थी कि जो वैज्ञानिक एक वर्ड जो ऐसा आता है सुनने में बड़ा ये लगता है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, लेकिन हमारे सामने जो है गेस्ट वो कीजिए। वैज्ञानिक बनने के लिए दाढ़ी बनाना कोई जरूरी नहीं है, एक वैज्ञानिक समाज का एक हिस्सा है जी। तो जैसे समाज में भी वैज्ञानिक के अलावा लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, कोई नहीं बढ़ाता, तो वैज्ञानिक में भी ऐसे ही होते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते जी। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि वैज्ञानिक जो होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि आप कैसे थे बचपन में। मैं बचपन में बहुत चुपचाप रहता था, किसी से बात नहीं करता था, और मैं जस्ट लोगों को देखता था, मेरे भैया पढ़ते थे तो मैं उनसे देखते देखते ही सीख लेता था। तो लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रोफेसर बना तो जो चुप्पी थी उसका बदला लेता था, और काफी बोलता था। काफी बोलते हैं। अगर प्रोफेसर साहब, हम आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें, हमारे व्यूअर्स जानना चाहें, तो थोड़ा सा अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में आप हमें बताएं। मैं बचपन में, मेरा जन्म यहाँ बिहार के उड़िया कोठी एक ब्लॉक था, उस टाइम मेरे फादर वहां ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बने थे, वो फर्स्ट टाइम वो ब्लॉक बना था, नया ब्लॉक बना था, उसके फर्स्ट ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर थे वो जी। तो मेरा जन्म वहीं पर हुआ था, और फिर वहां से मैं बेतिया चला गया जहां मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ। बेतिया में मेरा प्रारंभिक शिक्षा हुई, वहां पर एक साल में पढ़ा था, एक स्कूल म्यूनिसिपल स्कूल जो नजदीक में था वहीं पढ़े। और मैं एक इंटरेस्टिंग से बताऊं, उसका नाम लोग गिद्राही स्कूल बोलते थे। गिद्राही क्यों बोलते थे पता नहीं, वो एक झोपड़ी जैसा था, म्यूनिसिपल स्कूल था, मेरे फादर जाते समय वापिस स्कूल ले जाते थे, उसमें छोड़ देते चले जाते थे, तो मुझको बहुत परेशानी हुई ऐसे स्कूल में मैं क्यों पढ़ूं। तो मेरे पिताजी कहा नहीं, इसका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स स्कूल, तो वहां पर वहां से मेरे फादर नवादा आए, तो वहां में लोकल ये स्कूल था, शिक्षा माध्यमिक विद्यालय वहां पढ़ा, फिर किशनगंज में फादर गए, तो वहां एक डुमरिया माध्यमिक विद्यालय था वहां पढ़े, फिर वहां से मैं नेत्रहाट चला गया। ये मेरा प्रारंभिक शिक्षा जो होता था शुरुआती तालीम जी। इसके बाद अगर हम आपकी हायर स्टडीज की बात करें, तो फिर आप विदेशों तक गए पढ़ाई करने के लिए, इसके बारे में बताएं। तो मैं नेत्रहाट से फिर मैं आईआईटी खड़गपुर चला गया, और मैं चाहता था कि मैं फिजिक्स करूं, तो मैंने इंजीनियरिंग नहीं लेना चाहा आईआईटी जाकर, और मैं फिर मास्टर्स लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, और पीएचडी करने में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, जो कि फिजिक्स में दुनिया में सर्वोत्तम माना जाता है, वहां से चला गया 1981 में, और 1986 में पीएचडी खत्म। क्या वजह थी, जैसे कि अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन क्या वजह थी, क्या रुझान था आपका कि आपको फिजिक्स सब्जेक्ट ही चुनना था? और आज ये प्रश्न बहुत अहमियत रखता है क्योंकि आज जेई का एग्जाम हो रहा है जी। और लेकिन मैं बताना चाहूँ कि मैं जब स्कूल में था और मेरे दोस्तों से पूछे उस टाइम, तो मेरी उसी समय सोची थी मैं वैज्ञानिक हूँ, तो मैं जब जेई का एग्जाम भी दे रहा था तो मैं उसमें इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा था, क्योंकि बिहार में और कहीं जाते हैं हम तो जो सिस्टम था एग्जामिनेशन का वो डिलेड था जी। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं आईआईटी जाके फिजिक्स करूं, तो मैंने अप्लाई किया, एग्जाम दिया और हो भी गया। और जब मैं गया काउंसलिंग के लिए, उस टाइम मैनुअल काउंसलिंग थी, आजकल ऑनलाइन होती है, तो लोग मुझको जो प्रोफेसर थे वहां, उन्होंने कहा कि आप इंजीनियरिंग लीजिए, फिजिक्स मत दीजिए, और मैं बोल रहा था कि नहीं मुझको फिजिक्स चाहिए। वो काफी देर हमको रोके रहे, फिर मेरे पिताजी बुलाए कि गलत काम कर रहा है बच्चा, इस बात
हिंदी में डाल दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि आपको ऐसा करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डाल देते हैं जो फिजिक्स के बहुत क्लोज है, और बाद में आप बदलना चाहें तो फिजिक्स में बदलते हैं, क्योंकि उल्टा नहीं होगा कि फिजिक्स में जाइए अभी और इंजीनियरिंग करना नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो इसे छुटकारा कम से कम बाहर निकलो, तो उन्होंने मुझको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डाल दिया। फिर मैंने जब ज्वाइन किया टिकट तो मैंने कहा पहले दिन ही कहा कि मुझको प्लीज आप फिजिक्स में बदल, मतलब फिजिक्स में फिजिक्स में ही मैं चला गया। मतलब एडमिशन लेने के बाद जिनके जो गाइडलाइन कर रहे थे जिनके प्रोफेसर वगैरह थे वो कह रहे थे कि नहीं आपको इंजीनियरिंग ही करना है, लेकिन इनका एग्जिट तक नहीं, मुझे फिजिक्स में ही पढ़ना है। अच्छी बात है। आपने 1981 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आपने पीएचडी में वहां पे पीएचडी किया, आपने दाखिला लिया, आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पे आपका, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में और फिजिक्स के लिए आपने कहा कि दुनिया में सबसे बेहतर वही है, तो वहां पे आपका एडमिशन होना कितनी बड़ी बात है। मुझको बहुत ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं थी और दुख भी किसी चीज में नहीं होता है, लेकिन मुझको याद है कि जब मुझको एडमिशन का लेटर आया और फॉर्चुनेटली उसके साथ फाइनेंशियल ऑफर भी था, क्योंकि एडमिशन होने से ही नहीं होता, पैसा आपके पास नहीं तो नहीं पढ़ सकते, तो उसमें फाइनेंशियल ऑफर भी था, इसलिए मतलब मैं जाना निश्चित था। तो मैं पहले जाके अपने जो हमारे टीचर्स थे जिन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दिए थे उनको जाके मैंने खबर दी कि ये मेरा हो गया है, और वो लोग भी काफी खुश हुए। और बर्कले उस टाइम ऐसा था कि फिजिक्स डिपार्टमेंट 7 नोबेल प्राइज विनर थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट 7 नोबेल प्राइज विनर थे, तो ऐसी जगह थी कि जिसमें उसको सोचना नहीं पड़ा कि कहीं और एडमिशन का वेट करें, वो आ गया तो मेरा जो फाइनल प्लान था वो फिक्स हो गया। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग एक बार अगर विदेशों में चले जाते हैं तो फिर वापस लौट कर नहीं आते हैं, लेकिन आपको क्या सोचिए कि आप अपने स्वदेश वापस आए? ये सवाल जो आपने पूछा, मेरा हम लोग तीन दोस्त थे जो नेतरहाट से तीनों साथ हम लोग आईआईटी खड़गपुर गए, एक नीरज कुमार झा है जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, एक दोस्त ब्रजेंद्र मिश्रा वो भी कोलोराडो में था, अभी जस्ट रिसेंटली बोस्टन शिफ्ट किया है। तीन हम लोग साथ गए, खड़गपुर भी साथ गए और अमेरिका भी 81 में तीनों गए, तीनों ने पीएचडी की। और ये सवाल धीरज ने मुझसे पूछा 2008 में, उसके घर पर गया था न्यूयॉर्क में कि तुम क्यों वापस चले, और वो जवाब मैं वही देता हूँ जो उसको मैंने दिया था। मैंने ये कहा कि मैंने ये सोचा था उस टाइम कि यदि मैं अमेरिका में रहता हूँ शायद मैं ज्यादा अच्छा काम कर सकूं, लेकिन वो किसके लिए मैं करूंगा, अपने समाज के लिए नहीं करूंगा, इसलिए मैंने सोचा कि कम काम भी करूं लेकिन अपने समाज के लिए करूं तो ये बेहतर है, इसलिए मैं तुरंत एक सप्ताह भी नहीं रुका और मैं वापस चला। वैसे आपके सोचते कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के लिए अपने देश के लिए काम करना है, मुझे बाहर रह के पैसा कमाना ही एक मकसद नहीं है। ये आमतौर पे देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि मुझे वहाँ ज्यादा सक्सेस मिलेगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा नेम फेम होगा, लेकिन बहुत से ऐसे कम लोग हैं आपकी तरह जो सही सोचते हैं कि नहीं मुझे अपने देश वापस आना है और देश हित के लिए करना है। आप इतने बड़े बड़े और फेमस साइंटिस्ट के साथ आपने काम किया है, डॉक्टर जेवी नल्लिकर जी के साथ आपने काम किया, उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? उनसे मैं बता वो रोचक घटना थी, उनके बारे में मैं स्कूल में था तो हमारे जो मैथ्स के टीचर थे वो बताते थे, और उस समय फेमस हो गए थे 70s में, उनकी उम्र केवल रही होगी कुछ 25-26 साल, जबकि पीएचडी करे थे यूके में, उस टाइम उन्होंने यूनिवर्स का एक स्टडी स्टेट थ्योरी दिया था और दूसरी थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी होती जी। तो काफी फेमस हो गए थे वर्ल्ड में, और तो हमको जब स्कूल में बताया था टीचर ने तो हमारे दिमाग में ये था कि वो काफी सीनियर होंगे। तो जब मैं 1981 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में समर में गया था तो मैं एस्ट्रोफिक्स में स्पेशलाइजेशन कर रहा था, तो मुझको कहा गया कि आप उनके साथ जाकर करें, तो मेरे दिमाग में बना हुआ था कि काफी बुरे सीनियर हैं, बुरे होंगे। तो मैं जब उनके रूम में गया जिस टाइम से बताया गया तो मैं देखा कि यंग आदमी मुस्कुराता हुआ बैठा हुआ है, तो मुझको लगा कि जरूर सेक्रेटरी होगा उनका, तो मैं उनसे पूछूंगा कहाँ मिलेंगे, तो पहले भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन्होंने पूछ दिया कि राजा प्रभात रंजन आइए बच्चे में, तो कम से कम उसको ये एम्बरेसमेंट नहीं झेलना पड़ा। और सबसे ज्यादा खासियत उनकी मैंने ये देखी कि बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को बहुत आसान तरीके से समझा सकते, तो ये बहुत बड़ी सीख थी। और उनके साथ मैं कोई 1.5 महीना काम किया और बाद में भी मिलते रहे, बर्कली भी आते तभी मिला और रिसेंटली कुछ दिन पहले दिल्ली में मिला था, काफी इंस्पायरिंग पर्सन। तो कहीं ना कहीं प्रभात जी हम कह सकते हैं जो हमारी सोच है और आपकी सोच बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने भी ये सोचा बहुत बूढ़े होते हैं बहुत सीनियर होते हैं, और आपने भी जब उनके साथ रिसर्च करना शुरू किया तो आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा था ये काफी सीनियर मोस्ट होंगे। जब हम बात करें साइंटिस्ट की तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आपने कौन कौन से रिसर्च किए हैं और क्या क्या कह सकते हैं कि लोगों को दिया है आपने। हाँ, तो मेरा ये मानना रहा कि जिस चीज को मैं करूँ उसको एंजॉय करूँ और नहीं एंजॉय करूँ तो नहीं करना, तो मैं
जब अमेरिका जा रहा था तो अमेरिका जाने से पहले मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स में काम कर रहा था, कॉस्मोलॉजी में काम कर रहा था, ब्लैक होल पर काम कर रहा था। और मुझको याद है कि जिस रात में फ्लाइट थी उस समय जेएनयू में हम लोग बैठे हुए थे और एक हमारे मामा थे जो कि कोल इंडिया में थे, थर्ड मामा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो जा रहे हैं अमेरिका क्या कीजिएगा। तब मेरे दिमाग में अचानक कि मैं वास्तव में अभी तक मैं एस्ट्रोफिजिक्स करता था लेकिन क्या यही करना हमारे लिए जरूरी है। उस टाइम मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैं ऐसा चीज करूंगा जिससे कि देश को फायदा हो। तो मैंने कहा कि दो फील्ड में जा सकता हूं, या तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जाऊंगा या स्पेस फिजिक्स में जाऊंगा, जिससे कि हम अभी की जो समस्या है उस पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें और एस्ट्रोफिजिक्स और ब्लैक होल जो है उसके बारे में बाद में सोचें। तो मैं जब गया तो फाइनली मैं न्यूक्लियर फ्यूजन एरिया में मैंने पीएचडी किया और शायद मैं देश का पहला साइंटिस्ट था जिसने पीएचडी इस एरिया में किया। फॉर्चुनेटली जब मैं पीएचडी कर रहा था तो यहां भी काम स्टार्ट हो रहा था, जब मैं वापस आया तो मैं कंट्रीब्यूट कर पाया उसमें। अगर हम सर न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करें, क्योंकि आपने जो पीएचडी किया न्यूक्लियर फ्यूजन पे किया, तो अगर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं आप न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। जी, तो न्यूक्लियर शब्द जब हम सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि एटम बॉम्ब और इसके बारे में आती है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो सब में क्या होता है कि उसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, विखंडन होता है, मतलब एक हैवी एटम को ब्रेक करते हैं उसमें एनर्जी उत्पन्न होता है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो 99% यूनिवर्स का जो सिस्टम वो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी लूजली बोलते हैं कि जो क्लास स्कूल में पढ़ाया जाता है सॉलिड लिक्विड गैस, उससे ऊपर भी जबकि वो ब्रेक हो जाता है आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत है हमारे पृथ्वी पर वो है सूर्य। सूर्य जो है वो प्लाज्मा के स्टेट में है और वहां पर जिस विधि से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन जिसको बोलते हैं उससे होती है। उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ज्वाइन होता है, ब्रेक नहीं होता है, ज्वाइन होता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और हम लोग का काम यही था कि उसके जरिए हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर सके। और एक समझिए, चूंकि आपने हनुमान जी की जयंती की बात कही तो ये बोलते हैं कि हनुमान जी की कभी लाके सूर्य को पकड़ के ले आए थे, तो हम लोग मॉडर्न डे हनुमान है जो कि ये चाहते हैं कि जो सूर्य है उसको पृथ्वी पर ले आए, कृत्रिम सूर्य को पृथ्वी पर उत्पन्न करें, तो यही हम लोग का काम। तो हम कह सकते हैं आप मॉडर्न आज के हनुमान हैं। बहुत खूब कहा आपने। सर अगर हम बात कर लें आपके अचीवमेंट्स के बारे में ड्यूरिंग आपके वर्क में, जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन इंडिया के लिए आप काम कर रहे हैं तो क्या क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं? एक्चुअली मैं जब अमेरिका से आया तो मैं उस टाइम मॉडलिंग और सिमुलेशन कर रहा था और वहां के सुपर कंप्यूटर जो बेस्ड थे वो हम लोग यूज कर रहे थे। इंडिया में जब आया तो कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट मेरे पास एक पर्सनल कंप्यूटर था और पूरे इंस्टीट्यूट में कोई कंप्यूटर नहीं था। तो मैंने पहले चाहा कि मॉडलिंग कैसे करें तो कंप्यूटर सेटअप करना शुरू किया, लेकिन देखे कि और भी बहुत कुछ नहीं थे जैसे डेटा इक्वेशन सिस्टम होता है सब, तो मैं सब कुछ करने लगा। और फाइनली जब रिएक्टर इंस्टॉल हुआ एक हमारे स्पेसिफिकेशन हिसाब से तोशिबा ने बनाया जापान में, वो आके 1987 में कलकत्ता में था, साइंस जो न्यूक्लियर फिजिक्स वहां पर इंस्टॉल हुआ। तो जब मैं मॉडलिंग करने लगा फाइनली तो मैंने देखा कि जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान मैंने बताया एक्सपेरिमेंटलिस्ट को तो वो लोग करना नहीं चाह रहे थे। तो एक अलग हो जाता है कि आप थ्योरी मॉडलिंग कीजिए और एक्सपेरिमेंट करते हो अलग करते, दोनों के बीच में समन्वय नहीं रहता है। तो हमने ये सोचा कि हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपने से टू प्रूव माई होम थ्योरी। तो फिर मैं एक्सपेरिमेंट भी लग गया और काफी सक्सेसफुल रहा, जिसके कारण वो जो रिएक्टर था वो इम्प्रूव कर गया। और फिर उसको गांधीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन का मेन सेंटर रह गया था, वहां से रिक्वेस्ट आया कि मैं वहां शिफ्ट करता हूं। और वहां का एक रिएक्टर था जो कि लगभग 6 साल से परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर रहा था, तो मैं जब ज्वाइन किया उसके बाद लगभग 4-5 दिन मुझको जब मौका मिला 2-3 महीने बाद, 4-5 दिन के अंदर वो काम करने लगा और मैं वहां प्रोजेक्ट लीडर मुझको बना दिया गया। तो लगभग जो न्यूक्लियर फ्यूजन के जो रिएक्टर्स इंडिया में फर्स्ट जनरेशन है, मेरा काफी बड़ा योगदान रहा है उसमें, काफी खुश हूं। इसके अलावा भी अगर हम आपके रिसर्च वर्क की बात करें तो और क्या क्या चीजें थी? तो मैं लगभग 2002 में फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च जो नेशनल लैब्स में इन्वॉल्व था वहां से मैं यूनिवर्सिटी में मूव कर गया, जो भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो कि मैं गांधीनगर में रहता था वहीं पर रिलायंस ग्रुप ने सेटअप किया था। तो पहले मैं विजिटिंग फैकल्टी के रूप में था, फिर मुझको स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता था कि उनके साथ काम करें, तो मैं फुल टाइम शिफ्ट कर गया। और उसके बाद से मैंने बहुत सारे अलग अलग काम, क्योंकि नेशनल लैब में हमारा एक फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव था न्यूक्लियर फ्यूजन का, जब यूनिवर्सिटी में आ गए तो हमारे पास चॉइसेस थे। तो मैं इंडिया के चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट पर भी काम किया, मैंने वाइल्ड लाइफ पर भी काम किया,
इसके अलावा एग्रीकल्चर पर भी काम किया। फिर जो सबसे ज्यादा मेरा टाइम गया है रिसेंटली लास्ट 5-7 साल में डिसेबिलिटी सेक्टर में मैंने काफी कुछ काम किया, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती बदलाव ला सकती है, तो ये सब मैंने काफी सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम किया। अच्छा, इसके बारे में जानना चाहिए कि ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए आपने काम किया है वो क्या है? एक्चुअली इसकी शुरुआत भी मैं बताता हूँ, दो लड़कियां थी रम्या एंड पल्लवी, उनका नाम लेना चाहता हूँ। उनको हम लोग का एक रिक्वायरमेंट था प्रोजेक्ट करने का, जो कि नॉर्मली 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम था, फिर लास्ट ईयर में होता है। हम लोग एक सेकेंड ईयर में डिजाइन प्रोजेक्ट था जिसमें कि सोशली रिलेवेंट प्रोजेक्ट करना जरूरी होता था। तो उन लोगों ने गए, वो लोग ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन अहमदाबाद में गए और भी जगह गए। फाइनली उन लोगों ने जब वो हैदराबाद की लड़कियां थी न्यूज पेपर में देखा कि एक लड़की है जो कि 10वीं में पास कर गई है, तो 10वीं पास करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लड़की बोल नहीं पाती थी, सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड थी, उसके पैर नहीं चलते थे, उसके हाथ में बहुत कम मूवमेंट था, और उस अवस्था में उसने 10वीं पास की। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि कैसे वो काम करती है, तो उन्होंने जाके देखे वहां, तो वो मद्रास की लड़की थी, वहां जाकर मिले और उसको आगे बताया कि कैसे काम करती है। उसी से हम लोग को इंटरेस्ट हुआ, और पहला हमने ये कहा कि वो टीवी कैसे देखेगी, क्योंकि उसके पास फिंगर मूवमेंट नहीं है। जैसे आप बता रहे थे कि न्यूज पेपर लेकर लोग झगड़ा करते हैं, रिमोट कंट्रोल लेकर भी टीवी का झगड़ा होता है, तो लेकिन जो रिमोट कंट्रोल चला नहीं पाए झगड़ा तो कर भी नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो हमने ये किया कि ठीक है उसको ऐसा करें कि उसके हाथ के इशारे से टीवी चलवा दें, जैसे कि हाथ ऊपर करे तो टीवी चैनल अप हो जाए, टीवी चैनल डाउन हो जाए वॉल्यूम डाउन हो जाए वॉल्यूम अप हो जाए, तो कम से कम नॉर्मल जो टीवी जब चलाते हैं तो चैनल और वॉल्यूम चेंज करते हैं, इतना करने लगेगी तो अपने से कम से कम टीवी जो है अपना कंट्रोल कर सके। इससे हमने काम स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे काफी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही नई चीज है कह सकते हैं ना, कि क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे समाज में जो भी इस तरह की चीजों से ग्रसित होते हैं उन्हें एक कह सकते हैं कि बॉयकॉट किया जाता है समाज से, लोग उन्हें रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल, और ये इस तरह से अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोगों की मदद करेगा और कह सकते हैं कि उन्हें आम लोगों के बीच में लेकर आता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। जी हाँ जी, मेरा ये अनुभव रहा है कि ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, समाज उनको रिस्पेक्ट करता है, फैमिली रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जो नहीं कर पाते, कोई भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, फंक्शनल नहीं होते, उनको वो एक अलग कोने में घर में रख देते हैं, उनका कोई केयर नहीं करता है, कोई उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि यदि घर में जाकर पूछेगा तो उनके बारे में वो बताएंगे। क्या हमारे को ऐसे बच्चे भी हैं? हाँ। बताना भी जरूरी नहीं समझते कि हमारे बच्चे ऐसे इस तरह के बीमारी से ग्रसित है या वो, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि हमने कुछ ऐसा काम किया था दिया गया है, सजा दी गई। वो कहते हैं ना कि कभी हमने कोई गुनाह किया हो तो उसकी सजा मुझे अभी मतलब इस तरीके से मिली है, लेकिन ये लोगों की सोच है, ये कहीं ना कहीं बदलना होगा। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा, सरिता दुबे जी, एक लड़की है जिसकी 4 साल की उम्र में उसके दोनों उसपे एक एक्सीडेंट हुआ था, एक पावर लाइन उसके बॉडी पर गिर गया था, छत पर खेल रही थी, उसके दोनों हाथ कट गए, एक पैर कट गए, केवल एक ही पैर है, और उसी से वो समझिए कि बहुत फेमस है, वो पेंटिंग करती है, और ऐसी पेंटिंग जो कि हम लोग फैमिलियर हैं बिहार में, मिथिला पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग जी, उसको करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके स्ट्रोक्स बहुत फाइन होते हैं जी, और वो लड़की मुंह में ब्रश लेकर और पैर से ही सब कुछ करती है, उसको प्रेसिडेंस अवार्ड भी मिला हुआ है, उसको स्कल्पचर भी करती है, एम्ब्रॉयडरी भी करती है केवल एक पैर और मुंह से, जबकि हम मैं पर्सनली तो नहीं कर पाता हूँ कुछ, दो हाथ दो पैर लेकर। ये बहुत को हमें सीख मिलता है कि देखिए अगर ऊपर वाले ने अगर आपके साथ कुछ ऐसा किया है तो वो कभी हार नहीं, वैसे बच्चे हार नहीं मानते और कहीं ना कहीं वो पूरी शिद्दत से काम करते हैं, क्योंकि अगर उनकी अगर ऐसी पहचान बन गई है तो भी उन्हें और अच्छा करना है और बेहतर करना है, कुछ अलग करना है। जी हाँ, तो मैं काफी पॉजिटिविटी देखता हूँ। सरिता के पास मैंने एक बार फोन किया, मैं इलाहाबाद आ रहा हूँ, इलाहाबाद जाकर कानपुर में जी, तो बोले कि आप आइए, मैं आपको पूरा इलाहाबाद घुमाऊंगी। उस अवस्था में जबकि उसकी एक ही पैर है, दोनों हाथ नहीं, फिर भी वो हंस के बोली कि आप आइए और घुमाते हैं। जब भी मिलते हैं उससे तो वो हरदम हंस के ही बात करती है, जब भी फोन पर बात करें, स्काइप पर चैट करें, कभी भी हरदम मुस्कुराते रहती है। तो ये मैं उसको ऑफिस में ले आता हूँ कभी कभी, कि लोगों को सीखने का मौका मिले, इंस्पिरेशन हो कि हम लोग छोटी छोटी समस्या में परेशान रहते हैं और ये लड़की इतना खुश रहती है हरदम से इतनी बड़ी समस्या। बहुत बड़ी बात है, कहते हैं नजीर, क्योंकि अगर इंसान के अंदर में वो जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और हमारे जो आज के अतिथि हैं उनकी हर बात से लोगों को कुछ जानने को मिल रहा है, और साथ ही वो जब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों को बता रहे हैं तो उससे भी बहुत कुछ आज जानने को मिल रहा है। फिलहाल हम और भी बातें करेंगे, हम बहुत कुछ जानेंगे कि आखिर ये वैज्ञानिक होते कैसे हैं, उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर बात करते हैं।
फिर के बाद बिहार बिहान कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर प्रभात रंजन जी से और जान रहे हैं उनके बारे में क्या क्या उन्होंने रिसर्च करा और अब तक कौन कौन से काम वो कर रहे हैं। सर सबसे पहला और आपने जो बताया आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च के बारे में, तो आपने मूव आउट क्यों किया न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च से? मैं ये बोलूँ कि मैं मूव आउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च से नहीं किया, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं और भी क्षेत्रों में काम करूं और उसके लिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जगह होती है क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं काफी मात्रा में, तो आप उनका उपयोग करके काफी अलग आइडिया निकाल। तो मैं मूवर न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं किया, मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन मेरा हो रहा था पहले भी तो मुझको अच्छा लग रहा था, मैं चाहता था इन लोगों के साथ काम करके और अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान करूं। तो मैं ये बोला मूव आउट नहीं किया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च से नहीं किया, मैं उसमें कंटिन्यू करते रहा और लेकिन और भी क्षेत्रों में योगदान करना शुरू किया। अगर हम बात करें बचपन में आपने बताया कि आप बहुत ही शांत थे और अचानक से ये प्रोफेसर बनना, स्टूडेंट के साथ इतना इंटरेक्शन करना, तो ये थोड़ा बहुत चेंज जो है वो कैसा था? ये चेंज एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई जब मैं अमेरिका गया और हम लोग को टीचिंग असिस्टेंटशिप दी गई थी, मतलब बच्चों को जो मेन इंस्ट्रक्टर है उसके बाद छोटे छोटे क्लासरूम में जाकर पढ़ना। और बहुत इंटरेस्टिंग जो फर्स्ट कोर्स मेरा था उसको फिजिक्स विदाउट मैथ्स बोलते थे और उसका पॉपुलर नेम था फिजिक्स फॉर पोएट्स और ये कोर्स जो था ये नॉन साइंस नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए था, उसमें हिस्ट्री लिटरेचर सब लोग आते थे और 1000 स्टूडेंट एक साथ आते थे। उसको पढ़ाने वाले जो मेन इंस्ट्रक्टर थे वो एक नोबेल प्राइज विनर थे, ओवेन चैम्बरलेन, जिनको नोबेल प्राइज दिया था एंटी प्रोटॉन डिस्कवरी के लिए। तो उसमें मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ, तो जब छोटे छोटे क्लासरूम में जिसमें कि फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स से पढ़ाना ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था हम लोग, क्योंकि हम लोग जब बचपन से पढ़े थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक इंटीग्रल पार्ट होता था, तो वहां से मेरी थोड़ी शुरुआत इंट्रैक्शन हुई और धीरे धीरे मैं खुलते गया। फिर बाद में जब मैं प्रोफेसर बना तो जो मैं बचपन में शांत रहता था तो उसका बदला लेना शुरू किया और मैं काफी बोलता और मैं अभी काफी लोग हेल्प करता हूँ और इसके लिए थैंक्स टू इंटरनेट हम लोग काफी लोग जुड़े हुए, जिसे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ पर्सनली, उनको भी मैं हेल्प करता हूँ और जो हमने डिसेबिलिटी सेंटर में काम किया उसके धीरे धीरे उससे हम आगे बढ़ते गए, काफी लोग डिप्रेस्ड होते हैं उन लोगों को मैं हेल्प करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं आप नेट के थ्रू अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा मिलने का मौका मिल रहा है, उनसे बातें करने का आपको मौका मिल रहा है जी, और काफी लोग नेट के कारण ऐसी चीज बता पाते हैं जो दुनिया में किसी को और नहीं बता पाए, लेकिन मेरे साथ वो ट्रस्ट एक होता है तो बताते हैं, हम इनको प्रयास करता हूँ हेल्प करने का और काफी लोगों को फायदा। मतलब वो अपनी परेशानी को आपके सामने रखते हैं, मतलब ऑनलाइन आपसे बातें करते हैं और आप कहीं ना कहीं उन्हें सजेस्ट करते हैं कि नहीं इस तरीके से अगर आप काम करो और ये चीज अपने जिंदगी में लाओ तो बहुत बेहतर होगा। अगर आपकी जिंदगी के बारे में हम बात करें कि आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह, आपकी फैमिली है, अगर हम बात करें आपकी अहलिया की, आपकी वाइफ की, उनको कितना वक्त दे पाते हैं आप? मेरी वाइफ ने एक टर्म यूज किया सिंथेटिक बैचलर हूं मैं जी, एक्चुअली मेरी वाइफ फ्रांस में है, सिंथेटिक बैचलर है आप, सिंथेटिक बैचलर टर्म यूज किया था जी। तो अभी मेरी बेटी की भी शादी हो गई है तो काम की पी कर रही है और मेरी वाइफ भी साइंटिस्ट है तो वो अभी फ्रांस में है और मैं और मेरे दामाद जो हम लोग दिल्ली में भी रहते हैं। सर कहीं ना कहीं माशाल्लाह कह के आपकी जो उम्र है कहीं पता ही नहीं चलता आपके जो मतलब माशाल्लाह आपका जो लुक है, आपने कहा कि आपकी जो बेटी है उन्होंने पीएचडी कर लिया यूएसए और शादीशुदा भी है और आपके दिमाग भी है, तो उनको देख के तो कहने के लगता है कि बहुत यंग है ये। बिल्कुल इसके पीछे की वजह शायद मैं अपने हेल्थ केयर उतना कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज मैं नहीं करता हूँ जैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, कॉफी नहीं पीता हूँ या सिगरेट या ड्रिंक ये सब कुछ नहीं करता हूँ। प्लस मैं नेचुरोपैथी का एक चीज मैंने सीखा है, नेचुरोपैथी प्रोसेस जिससे भी काफी फायदा होता है, तो ये सब शायद करता हूँ उसके कारण फायदा होता है, लेकिन मेरे परिवार में थोड़ा सा ये है कि लोग यंग रखते हैं थोड़ा सा सभी यंग रखते हैं। अगर हम बात करें आपके रिसर्च की, आपने बताया आपने बहुत सारी चीजें की हैं और खासतौर पर डिजेबल लोगों के लिए, लेकिन आमतौर पर एक जो धारणा है कि ये जो भी चीजें होती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो रिच लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लिए नहीं होता। तो एक्चुअली मैंने जब भी काम किया तो जैसे मैंने एक लड़की का एग्जाम्पल दिया, उसका नाम भावना था, उसके समस्या का समाधान के लिए किया और उसमें हमने ये नहीं देखा कि दुनिया में किसने क्या किया है उसका कॉपी करे, हमने सोचा कि उसकी समस्या है आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से कैसे उसका समाधान की मदद कर सके और सब काम हमने इंडिया में किया, तो इसलिए कॉस्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, तो जो भी हमने काम किया उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं था, बल्कि डॉलरों को हमने मुफ्त में ही
दिया, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है, काफी लोग हैं जो कि पैसा देने को तैयार है। जैसे मैंने सरिता द्विवेदी का नाम लिया और उसको उसकी एक कल्पना थी कि वो एक व्हील चेयर चला सके, उसके दोनों हाथ नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में एक जॉयस्टिक होता है, इसे जी, जी, उससे मैंने जब बात किया तो उसने कहा कि क्या मैं व्हील चेयर चला सकती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, तो उसी कैसे होगा, उसको तब आश्चर्य हुआ थोड़ा, उसको उसके हाथ नहीं थे। उसने कहा कि कैसे कीजिएगा, मैंने कहा या तो तुम्हारे हेड मूवमेंट से करेंगे, या तुम्हारे वॉइस से करेंगे, या तुम्हारा जो एक पैर है उसी से चला देंगे। तो उसने कहा कि तो बहुत कॉस्टली होगा। हमने कहा कि तुमको कॉस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमको फ्री मिल जाएगा। और मैंने फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट दिया कि इस लड़की को इस चीज की जरूरत है। 10 मिनट के अंदर में लोग आगे सामने आ गए और पैसे की कमी नहीं, तो मैंने देखा कि पैसे की कमी नहीं आती है और टेक्नोलॉजी जो है वो इनेबलर है। जैसे कि मोबाइल फोन लीजिएगा, पहले मैं जब अमेरिका से, मेरे पास फोन वहां पर हुआ करता था, यहां जब मैं आया और कोलकाता में 9 साल तक मेरे पास फोन नहीं था। जब मैं गुजरात गया, फाइनली मैंने अप्लाई किया और 1-2 साल में फोन मिला जी। लेकिन अब देखा कि मोबाइल फोन है जो हर एक जगह गया है, और उसके लिए आपको लाइन की जरूरत नहीं है कि गांव में क्या कि नहीं, सबके पास पहुंच गया। सिमिलरली आप जैसे दूरदर्शन का है, पहले हम लोग पास एंटीना रहता था जी। और कुछ शहरों में ही मिलता था, उसकी याद है मैं 1976 कलकत्ता गया था पहली बार, वहां मैंने दूरदर्शन देखा जी। लेकिन अब क्या है कि डिश टीवी के कारण आप कहीं भी हो आपको सिग्नल मिल सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इनेबलर है, और उसका कॉस्ट जो है, यदि हम अपने देश के हिसाब से करें, यदि हम केवल सब कुछ इम्पोर्ट करते रहेंगे तब तो कॉस्ट ज्यादा रहेगा। तब आपने जो कहा ठीक है कि रिच लोगों के पास जाएगा, जैसे ऐसा जैसे कुछ एग्जाम्पल है इसमें कि उसका कॉस्ट 4-5 लाख रुपए है, तो लोग लाके घर पे रख देते हैं, उसकी पूजा करते हैं कि खराब नहीं हो जाए, उसको यूज नहीं करते, इसलिए जब तक उसका जो लोकल हम लोग डेवलप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो इसलिए मैंने जो भी काम किया है वो यहाँ के समस्याओं के लिए, यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, तो इसलिए उसका। अगर प्रधान साहब, आपने जो कहा कि आपने उस लड़की की मदद की और उनके पैर के मूवमेंट से ही आपने वैसा व्हील चेयर बनाया, और आपने FB पे पोस्ट किया कि ऐसे ऐसे जरूरतमंद है आप उनको पे करें, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर आप पूरी ईमानदारी से और शिद्दत से किसी की मदद करना चाहें तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। सही, जरूर है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोग साथ साथ आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको नेत्रहाट स्कूल से मैं हूँ, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का वे पोर्टल मेरी सब मैं ही मैनेज करता हूँ। और 2003 में वापस मैं स्कूल से जुड़ा, वहां पर मॉडर्नाइज करना था, तो मुझको उस समय पैसा कहां से आया कोई ध्यान नहीं था, मैंने केवल ये सोचा क्या करना चाहिए। और जब मैंने फिर लोगों से रिक्वेस्ट किया तो पैसे की कोई कमी ही नहीं, बल्कि ज्यादा लोग आ गए पैसा देने के लिए, पैसा की कमी, तो फिर हम अपना स्कीम बढ़ाते थे। तो इनफैक्ट एक बार और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक पलामू लड़का है जिसके भी एक्सीडेंट के कारण उसके हाथ और पैर मूवमेंट बंद हो गए, तो उसको मैं एक ब्रेन बेस्ड डिवाइस मैंने डेवलप किया था, उसको देना चाहता था, तो मैंने मेलिंग लिस्ट पर भेजा, और इवन बिफोर मेलिंग लिस्ट में मेल सर्कुलेट हुए, एक मिनट में एक दूसरे लड़के का आया कि मेरे होम टाउन का इसका पैसा मैं पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। अंकिता कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों की मदद के लिए मतलब बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। बिल्कुल, अगर सोसाइटी में अगर लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को इस तरह से इस्तेमाल करें, लोगों के वेलफेयर के लिए करें, तो लोगों के अंदर भी आता है कि जब वो आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यही दरखास्त है अपने व्यूवर्स से भी कि आप जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जो कि मतलब आपसे दरखास्त करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी माली हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, तो प्लीज आप उनकी मदद करें, क्योंकि आपके थोड़े से मदद से कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, और हम तो भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो कह सकते हैं कि साइंटिस्ट अगर सामने है तो मन में आता है कि जितने सवाल पूछ सको सारे यही कर लूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ना है सब कुछ यही कर लूँ। जब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते थे, जब आप पढ़ाते थे, तो उन लोगों के अंदर किस तरह की चीजें आप देखते थे, उनका इंटरेस्ट किस ओर रहता था, या फिर कह सकते रिसर्च वर्क की तरफ कितने थे? तो मैं एक्चुअली मेरा ये मानना रहा है कि कोई भी रिसर्च हो उसको करके सीखना चाहिए, आपसे करके सीखना चाहिए, ये नहीं कि केवल क्लासरूम में लेक्चर सुना और एग्जाम में दे दिया और बस दिमाग से उतर गया, तब उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मेरा ये फोकस था प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जब प्रोजेक्ट करने लगते हैं उसमें कुछ सफलता मिलती है तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मैं 4 कोर्स पढ़ाता था सीक्वेंस में, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर में, और सब में प्रोजेक्ट एक पार्ट होता था और उनको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करते थे। जैसे मैं मून मिशन की बात करूं, चंद्रयान 2 पर मैं काम कर रहा था, या वाइल्ड लाइफ के साथ काम कर रहा था, या डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करता, तो हमारे स्टूडेंट जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे और काफी उनको एक्साइटमेंट होती थी, और काफी लोग हमारे साथ अभी भी
जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाने के बाद इतनी डिग्री मिल जाने के बाद भी रहते थे काम करने के लिए, मतलब सीखने का उनको लगता था, उनको काफी एक्साइटमेंट होती थी, वो जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो रहा है किसी को, तो काफी एक्साइटेड रहते थे, उनको खुशी भी होती थी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो जितना आपके साथ वक्त है उतना बेहतर है। आप इतने बड़े इदारा मीन्स इतने बड़े इंस्टीट्यूट, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप प्रोफेसर हैं, तो क्या क्या कुछ वहां पे आपने देखा, जैसे आपके स्टूडेंट्स बहुत सारे वहां पे होंगे जो बच्चे बहुत तेज होंगे या बीच के एवरेज स्टूडेंट होंगे, और हमारे बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं उनमें क्या फर्क महसूस करते हैं आप? देखिये बिहार में उसको पढ़ाने का मौका नहीं मिला, बिहार के काफी वहां भी थे और उनसे अभी भी इंटरेक्ट करता हूं और वहां भी काफी अच्छे स्टूडेंट्स रहे, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेक्शन जो होता था, वैसे तो क्लास हम लोग का जैसे 240 का एक बैच होता था तो हम लोग स्टार्टिंग में सबको एक साथ ही पढ़ाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है दो ग्रुप को, एक ग्रुप है जो कि टॉप ग्रुप है, एक जो बॉटम ग्रुप है, क्योंकि दोनों को स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है और बीच में जो है वो लगभग आपके साथ रहते हैं, लेकिन टॉप को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनकी जो डिजायर है उसके साथ आपको कीप अप करना पड़ेगा, और यदि उसको केवल आपने टारगेट किया तो बाकी लोग छूट जाते हैं, तो ये दोनों ग्रुप को उसको ध्यान में देना पड़ता था, उसके लिए पर्सनल जैसे टॉप ग्रुप था उनके लिए मैं स्पेशल अलग से क्वेश्चन देता था जो कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता था कि तुम्हारे लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है सबको करने की जरूरत नहीं, और जो बॉटम ग्रुप होता था उसको मैं पर्सनली बुलाकर समझना चाहता था क्या समस्याएं हैं, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी आती थी क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि केवल कोचिंग करके चले जाते थे लेकिन परफॉर्मेंस कुछ नहीं हो पाता था, मतलब बेसिक नॉलेज नहीं होता, बेसिक नॉलेज क्योंकि वो लोग परीक्षा के लिए तैयारी करते थे और परीक्षा खत्म हो जाने के बाद दिमाग नहीं करता बिल्कुल इस तरह से टीचर्स मिले जो कि सारे कहते हैं ना कि हर एक लेवल पे काम करें, तो मतलब देख के चले कि जो मतलब बहुत तेज स्टूडेंट है उनको मतलब एक क्वेश्चन ऐसा दे दे कि आप उसमें इन्वॉल्व रहो और उसी में लगे रहो, और जो एवरेज स्टूडेंट है उनको बुला के आप काफी वक्त दें। अगर सर हम अगर बात करें बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, तो कोई ऐसा आपके पास प्लान है जो कि हमारे बिहार में डेवलपमेंट के लेकर? इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स निकलने के बाद ही हम एक डिस्कशन में जा रहे हैं जिस पे इसी बात पर चर्चा होने वाली है, और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो मैं बार बार दो तीन साल से मैं बिहार आना मेरा तो बढ़ गया 2011-2012 से, बिहार का लाइफ लाइन एजुकेशन, हम लोग जितने बिहार में आगे बढ़ते हैं शिक्षा के कारण बढ़ते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि वो जीवन रेखा हमारी है। लेकिन आप यदि इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात करें बिहार में लगभग इंजीनियरिंग 7000 सीट है टोटल, जबकि आप देखें कि आंध्रा में 3 लाख है, तमिलनाडु में 2.8 लाख है, तो हमारा पॉपुलेशन लगभग 8-9% कंट्री का है और जो इंजीनियरिंग सीट है यहाँ पर 0.4 या 0.5%। तो मेरा ये मानना है कि हमको नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट खोलनी पड़ेगी, और मैं एक इनोवेशन हब की कंसेप्ट लाया हूँ, इनोवेशन बेल्ट की कंसेप्ट लाया हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बने और स्कैटर्ड वे में होता है उसमें इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि 5-6 ऐसे लोकेशन हो बिहार में जो कि मिनी टाउनशिप हो जिसको इनोवेशन हब कह सकते हैं, एजुकेशन हब बोलिए, इनोवेशन हब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बिहार को इनोवेशन हब बनाया जाए कंट्री का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ काफी डिफिकल्टी है, लैंड वगैरह की डिफिकल्टी है, कि इनोवेशन हब बनाए जैसे सिलिकन वैली, तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग कहीं दूसरी जगह भी तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर डेवलप, तो मैं उसका प्लान मैं बनाया हूँ, मैं 2-3 साल से मैं शेयर भी कर रहा हूँ, अभी भी आज भी यहाँ से जाने के बाद मैं शेयर करूंगा, तो एजुकेशन पर और एग्रीकल्चर ये दो चीज पर फोकस है। कहीं देखते हैं सर कि हमारे जो बिहार के बच्चे हैं वो अदर स्टेट्स में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अदर स्टेट में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का रुझान जो बाहर की तरफ अमूमन मिलता है, हम बाहर जाएं साउथ में चले जाएं या हम दिल्ली जाएं कहीं भी जाएं, तो ज्यादा बिहार के बच्चे मिलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अभी भी कमी है कॉलेज, हमारे पास उतने सीट्स नहीं है और सीट होने से नहीं केवल होता है क्वालिटी सीट होनी चाहिए, इसे कोटा में बोलते हैं कोचिंग के लिए 60% बच्चे बिहार से जाते हैं, आप दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में जाइए तो वहां पर देखिए कि बिहार के, पुणे में जाइए आप, बेंगलोर में कर्नाटक में जाइए, सब जगह बिहार के स्टूडेंट होते हैं, एक एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 2000 करोड़ रुपए एजुकेशन इंजीनियरिंग एजुकेशन में बच्चे बिहार के खर्चा करते हैं, वही 2000 करोड़ यदि बिहार में खर्चा हो तो नॉट ओनली एजुकेशन इंस्टीट्यूट बट काफी डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक हब होता है जिसके अराउंड बहुत कुछ बनता है, सिलिकन वैली डेवलप हुआ बर्कले और स्टैनफोर्ड के कारण, तो एजुकेशन हब के हिसाब से बने उसके हिसाब से तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी होगी और बच्चों को वापस आकर काम करने का यहाँ मौका मिलेगा।
जी हाँ, क्योंकि वो बाहर नहीं जाएंगे, अपने प्रदेश में ही रहेंगे, यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा अंकित। और कहीं ना कहीं जब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो खुल जाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं वो नहीं जाएंगे। और अगर देखा जाए तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर ये रहता है कि उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, मेडिकल कंप्लीट कर लिया, अब वो एमएनसीज की तरफ भागते हैं, वो विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन आप उनके सामने एक एग्जांपल है, आपने विदेश में पढ़ाई की और वापस आप अपने स्वदेश आए, तो वहां अगर आप अपने वापस आते हैं, अपने टैलेंट को अपने देश के लिए लगाते हैं, तो ये एक अच्छा अनुभव होता है। तो आप क्या संदेश देंगे हमारे स्टूडेंट्स? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आजकल जैसे आईटी का काफी क्रेज था, मैं आईटी का स्टूडेंट रहा हूं, उसके बाद लोग आजकल एमबीए करना चाहते हैं आईएम से करते हैं, तो आईटी आईएम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, और उसके बाद टिपिकली वो एमएनसी जैसा आपने बताया चले जाते हैं। तो मैंने कुछ लोगों से ऐसे पूछा कि ये ठीक है आपने आईटी में किया, फिर आप आईएम में गए, फिर एमएनसी में, क्या आप खुश हैं? बोलते कि मैं खुश नहीं, आप सेटिस्फाई हैं। तो इसलिए हम लोग एक दौड़ की में लगे रहते हैं, भेड़ दौड़ की तरफ, की जो सब कर रहे हैं वही हम भी करें, हमको हमारी क्या रुचि है, हमारा क्या डिजायर है, उसके बारे में नहीं सोचते। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि हमारी क्या रुचि है, उसको हम फॉलो करें, हमको पैशनेट होना पड़ेगा अपने काम पर, तभी हमको तो हमारी हमारा जो संतोष है वो हमको अंदर देखना पड़ेगा कि हमको क्या खुशी देने वाला है, उस पर यदि करें तो सबसे अच्छा है। पैसा एक मिनिमम तो सबको चाहिए जी हाँ। लेकिन उसके बाद उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक बैंक में पड़ा है, तो इसलिए जो संतोष है उस पर ध्यान देना चाहिए और केवल भेड़ दौड़ में नहीं लगना चाहिए। सबकी अलग अलग रुचि है, उसके हिसाब से हमको अपना काम क्या है। ये कह सकते हैं ना कि लोगों में होड़ मची है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, अगर वो बाहर अदर स्टेट्स में पढ़ने जा रहे हैं तो मुझे भी वहीं जाके दाखला लेना है, वहीं एडमिशन लेना है। तो कहीं ना कहीं ये दिखावापन भी बहुत ज्यादा हमारे समाज में आ गया है। जी हाँ जी हाँ, ये होता है कि जैसे परिवार में पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अगर उस पड़ोसी का बच्चा वहां चला गया तुम यहाँ बैठे हो, तुम ही जाओ, ये भी बहुत गलत होता है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, उसकी यूनिक एबिलिटी को हमको फोकस करना चाहिए और बच्चे को भी ये समझाना चाहिए। तो सर खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? जैसे आपका गाने का शौक होगा, कोई अलग शौक होगा, तो खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं? एक्चुअली गाने वाले का शौक तो मुझको नहीं था, लेकिन कभी तो कुछ गुनगुनाते होंगे शायद, ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन मैं कभी कोई सिंगर नहीं रहा हूँ। मेरा जो क्रेडिट इतना ही है कि मैं जब नेत्रार स्कूल में था और म्यूजिक का क्लास सबके लिए होता था जी, तो मैं नीचे से सेकेंड रैंक आता था, लेकिन मैं एक्चुअली मैंने जो रिसर्च लाइन में आया वो मेरा हॉबी है, तो मैं जो काम भी करता हूँ मेरा हॉबी है, इसलिए मेरा काम और हॉबी कोई अलग नहीं है कि ऑफिस में जाके मैं ये काम करूंगा और बाहर आकर मैं हॉबी करूंगा। खाली वक्त में हम अगर रहते हैं ना गीता तो गुनगुनाते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं, मोबाइल में चैटिंग करते हैं, कहीं कुछ तो गुनगुनाते होंगे आप? नहीं मैं एक्चुअली एक तो मैं टीवी बंद कर दिया देखना, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल इंटरनेट एक लर्निंग का बहुत अच्छा है, तो मेरा इंटरेक्शन भी काफी इंटरनेट के थ्रू होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों के साथ होता है, उससे मैं डेली सीखते रहता हूँ। अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ टाइफैक, वो एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी थिंक टैंक है, और हम लोग डेली 15-20 न्यूज शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी न्यूज, उसका भी मैं फॉलो करता हूँ और काफी लोग से इंटरेक्ट भी करता हूँ। तो ऐसा कोई अलग मेरा हॉबी जैसा नहीं, लोगों को हेल्प करना ही मेरा हॉबी है और उसी में मेरा टाइम लगा है, लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना, खासतौर पर अंकित दिखाना कि जो डिसेबल है और वो इनके पास आते हैं, इनको कॉल करते हैं या ऑनलाइन इनसे बातें करते हैं, तो इनकी ये मदद करके इन्हें खुशी मिलती है। और बिल्कुल, अगर हम अपने जो कहते हैं ना कि नॉलेज को अपने अपने अंदर की जो टैलेंट है वो दूसरों के लिए अगर हम लगाते हैं तो वो सही में जाकर के हम कह सकते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और ऊपर वाला भी आपको मतलब आपका बहुत साथ देता है और उनकी दुआएं भी बहुत लगती है आपको। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी वाइफ है वो कहीं बाहर कहीं काम करती है, आपकी बेटी कहीं और है, तो और आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि किसी मौके पे पूरे परिवार को एकजुट होना चाहिए? अब देखिए मौके पर तो होता ही है, लेकिन आजकल जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके कारण कभी हम लोग अलग नहीं होते। और मैं बताना चाहूँ कि जब हम लोग बचपन में थे तो कोई भी फैमिली फंक्शन होता था हमारे गाँव में ही होता था, तो सब जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हुआ कि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन बच्चे हैं वो नहीं जा पाते थे, तो अलग हो गए थे सब लोग, लेकिन अब इंटरनेट के जरिए सब जुड़ गए हैं, इंटरनेट के कारण सब लोग आपस में जुड़ गए हैं, तो इसलिए हम लोग भी परिवार में जुड़े हैं। यानी कह सकते हैं कि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो है आपके जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, जिसकी बदौलत आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अच्छा चूंकि आपसे हमने बहुत सारी बातें कर ली और अभी मेरा मन कर रहा है कि ना कि अगर ये गाना नहीं गुनगुना रहे हैं नहीं गाना चाहते हैं तो हम ही इन्हें एक गाना सुनाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत।
व्यूअर्स, अभी आपने देखा एक प्यारा सा गीत, और हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनसे बार बार दरखास्त करता हूँ सर थोड़ा सा गुनगुनाए, लेकिन सर ने नहीं गुनगुनाया, इसलिए हमने सर को ये प्यार से गीत सुनाया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास प्रोग्राम बिहार बिहान के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा बिहार बिहान में आकर? यहाँ काफी खुशी हो रही है। मैं एक दो पॉइंट बताता हूँ। एक मेरा ब्लॉग साइट है ranjan.in, उसमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए हुए हैं, जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस है उससे काफी लोगों का फायदा हो सकता है। प्लस फेसबुक पर मैं शेयर करता रहता हूँ, मेरा अपना भी लिस्ट पेज है और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी है जिसमें तकनीकी जानकारी काफी सारे शेयर करते हैं। तो मैं व्यूअर्स को चाहूंगा कि वो लोग उस पर जाकर देखें ranjan.in, जो ब्लॉग है काफी सारे अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपने, आपने कीमती वक्त दिया हमारे खास कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकिता वक्त हो चला है ना कि हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को बता दें कि आपने आज देखा कि एक वैज्ञानिक जो होता है, जो हमारा मिसकंसेप्शन था कि लंबे लंबे बाल होते होंगे हमेशा वो बिजी होते होंगे, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं और बहुत कुछ करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको महाराज का ये अंग बहुत पसंद आया होगा और आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपने फीडबैक्स, अपने सजेशन हमें जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ये जो फीडबैक्स होते हैं हम उसे अमल करते हैं और आपके प्रोग्राम को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका प्रोग्राम दिन ब दिन आपका फेवरेट होता चला जाए, आपके पसंदीदा इसमें सेगमेंट हम ऐड करते जाए। तो आप नोट कीजिए हमारा एड्रेस, हमारा एड्रेस है बिहार बिहान, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, छज्जू बाग, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@dd.patna@gmail.com। आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक ईमेल आईडी है biharbihan@gmail.com। दर्शकों आज के अंत में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि बिहार बिहार के अलावा आप डीडी बिहार पे और कौन कौन से प्रोग्राम देख सकते हैं।